रईसा खातून वुमन वेलफेयर द्वारा आज शहर के बड़ा ताजबाग परिसर में खास महिलाओं के लिए हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया था। इस कैंप के दौरान शहर के नामांकित डॉक्टर्स और विभिन्न क्षेत्रों में कामयाब महिलाओं ने उपस्थित अन्य महिलाओं को हेल्थ को लेकर मार्गदर्शन किया। इस हेल्थ कैंप में सामान्य जांच, त्वचा चिकित्सक, प्रसूति शासी, दांतों का डॉक्टर, आंखों की जांच, पूरे शरीर का चेकअप, सैनिटरी पैड और ऑप्टिकल्स का निःशुल्क वितरण किया गया। इस समय माधुरी गडकरी, डॉक्टर वैशाली इटनकर, कारा फाउंडेशन की चेयरपर्सन जोया सिरा शेख, डीसीपी मैडम डॉक्टर खान आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। महिलाओं में स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरूकता करने के उद्देश्य से रईसा खातून वुमन वेलफेयर की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन बड़ा ताजबाग स्थित नए सराय में किया गया था। महिलाएं अपनी तकलीफें जैसे महावारी, कैंसर को लेकर खुलकर बात नहीं करते हैं, इन समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं, जिससे कई बार उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। इसी के मद्देनजर जैस्मिन प्यारी खान द्वारा महिलाओं में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता निर्माण हो, इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। महिलाओं को उपस्थित अतिथियों द्वारा मार्गदर्शन किया गया। वर्तमान समय में स्तन कैंसर की समस्या बढ़ती जा रही है। स्तन कैंसर का इलाज संभव है जब महिला अपने तकलीफों को नजरअंदाज न करे तब। कार्यक्रम में लड़कियों और महिलाओं को महावारी और स्तन कैंसर के लिए जागरूक रहने को कहा गया। इस दौरान महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरित किए गए। अब बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आज चेकअप हो रहा है, खासकर महिला अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी केयर, बहुत ज़्यादा केयर करती है, ऐसी बात नहीं है। स्पेशली हम जहाँ पर आज ये कैंप ले रहे हैं, महिला हमेशा हिचकिचाती है कि ठीक है मैं 8 दिन देखती हूँ कम हो जाएगा या बाद में देखेंगे, बहुत ज़्यादा होगा तो देखेंगे। तो ये सोच को बदलने की ज़रूरत है। मुझे लगता है ये बदलाव लाने के लिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे आज सैनिटरी नैपकिन्स हैं, स्पेक्टेकल्स हैं, वो इसका मुफ्त वितरण होने वाला है और बाकी सारी हेल्थ की जो समस्या है उसका चेकअप होगा और फिर जो उसमें जो निकलता है, जिनको भी कुछ बीमारी निकलती है उसका निःशुल्क उनको सेवा भी दी जाने वाली। सबसे पहले रईसा खातून वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम का जो जैस्मिन ने आयोजन किया है, तो सबसे पहले तो मैं उसको बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, उसको कंग्रेचुलेट करती हूँ कि उसने इतना अच्छा प्रोग्राम इस उम्र में रखा है। और कहते हैं ना, माँ बाप का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, तो ऑफकोर्स उन्हें भी अपने पापा का बहुत बड़ा सपोर्ट है। कहते हैं कि बेटियाँ कुछ नहीं करती है, बेटियाँ होने पर लोग नाराज़गी जताते हैं, बट मैं कहती हूँ कि जैस्मिन आज उनके लिए सबके लिए मिसाल है और उनका परिवार उस पर बहुत प्राउड फील करता है। कहते हैं ना, माँ बाप करे तो कुछ नहीं, बट एक अपनी औलाद अगर इस पथ पर चल रही है तो माँ बाप को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है और माँ बाप को सबसे जो बड़ी खुशी होती है ना, वो अपनी औलादों से होती है। तो ये खुशी मुझे भी हो रही है कि जैस्मिन सिर्फ कॉलेज गोइंग गर्ल है लेकिन उसने शुरुआत करी है और मैं चाहती हूँ कि वो इस कैंप को हर साल ऐसे ही औरतों के लिए काम करे और आज उसने जो भी इनिशिएटिव जो पहल किया है वो ऐसे ही चलते रहे और लोग उसको देख कर सीखे। देखिए, मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज में आज भी, हमारे समाज में नहीं, हर समाज में ही ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन का प्रॉब्लम है, एजुकेशन नहीं लेना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पहले तो सुशिक्षित बनिए, उसके बाद में सारी चीज़ें होती रहेगी। और मैं चाहती हूँ महिलाओं को अपने घर में, हमें अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वो अपने घर में अपने पति से, अपने बच्चों से शेयर करे या अपने बच्चे भी माँ बाप से शेयर करें कि मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे प्रॉब्लम है। और लड़के को सैनिटरी पैड और पीरियड्स के बारे में अवेयर कराए, ये मैं हर किसी से गुजारिश करती हूँ और ये मेरा मैसेज है हर किसी के लिए कि अपने घर में अपने बच्चों को और हर किसी को ये ज़रूर बताएं कि पीरियड्स के दौरान तकलीफ कैसे होती है और उसमें हम किस पीड़ा से गुजरते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, बाकी तो लोग समझदार हैं, उन्हें बहुत अच्छे से समझता है कि हमें कहाँ से कैसे शुरुआत करनी है। इस समय डॉक्टर वैशाली इटनकर, डीसीपी मैडम और डॉक्टर खान ने भी महिलाओं को अपने स्वास्थ्य प्रति जागरूक रहने को लेकर मार्गदर्शन किया। हमारे माइनॉरिटीज के चेयरमैन प्यारे खान जी और उनकी बेटी ने जो एक इनिशिएटिव लिया है हेल्थ का अवेयरनेस प्रोग्राम रखने के लिए औरतों के लिए स्पेशली, तो आज वो उन्होंने मुझे बुलाया है, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। एक आज के ज़माने में औरतें सब कुछ करने को तैयार हैं लेकिन अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं, तो उसको अवेयर करवाने के लिए कि आपको जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको
जितनी जल्दी हो सके उसको रोक लगानी है, तभी आप अपने परिवार का और अपने पूरे समाज का ख्याल रख सकते हो। सिर्फ नौकरी करने से, सिर्फ पढ़ाई करने से हम अपने समाज का ख्याल नहीं रख सकते। जब एक औरत का खुद की सेहत खराब है, जब वो अपने पर ध्यान नहीं दे रही है, तो वो अपने परिवार का ध्यान नहीं दे सकती है। अगर उसका हीमोग्लोबिन कम है, अगर उसको थायराइड की शिकायत है, उसको नींद पूरी नहीं होती है, उसको हर वक्त थकान रहती है, तो वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाती है, बात बात पे चिड़चिड़ होती है। और लोग कहते हैं कि इसका स्वभाव ऐसा है, इसका स्वभाव ऐसा नहीं है, वो बहुत वक्त से अपने शरीर के साथ अपनी बीमारियों से लड़ रही है। तो जब तक हम लोग उस पर भी ध्यान नहीं देंगे, तब तक हमारा परिवार जो है, सोसाइटी जो है, वो खुशहाल नहीं रह सकती है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो इन लोगों ने लिया है, एंड मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। आई होप किसी ना किसी को हम इसमें मदद कर सकें और जितना ज़्यादा हो सके वुमेन एम्पावरमेंट में हेल्प कर सकें। जासमीन प्यारे जिया खान ने कहा कि रईसा खातून वुमेन वेलफेयर ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया है। यह कार्यक्रम महिलाओं में कैंसर और स्वास्थ्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए था। सबसे पहले रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था में इस विषय पर बात करना एक चुनौती थी, लेकिन रईसा खातून वेलफेयर के माध्यम से जासमीन प्यारे खान ने यह चैलेंज स्वीकार कर इस हेल्थ कैंप का सफल आयोजन किया है। इस समय जासमीन खान और प्यारे जिया खान ने अपनी प्रतिक्रिया भी साझा की है। देखिए, इसके बारे में ये बताना चाहूँगा, मैं काफ़ी यानी 6-8 महीने पहले की बात है, मैं गडकरी साहब के साथ बैठा था, तो उन्होंने बातचीत में मुझसे कहा, बोले प्यारे कुछ अपने समाज के लिए अच्छा कर सकते हो क्या, मतलब बताइए क्या करना है, आपका हुक्म सरक हो पर। तो उन्होंने बोला मुझे कि तुम्हारे समाज में जो लेडीज़ है जिसको ब्रेस्ट कैंसर होता है और बहुत सारे ऐसे जो अंदरूनी प्रॉब्लम होते हैं, तो तुम्हारे समाज की जो महिला है वो मरना पसंद करती लेकिन अपनी प्रॉब्लम किसी को बताती नहीं। तो वो मेरे को आइडिया बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं घर में आया, अपने मम्मी से, अपनी वाइफ से, अपनी बेटियों से इस बारे में डिस्कशन किया कि बेटा हमारे मुस्लिम समाज में ऐसा ऐसा होता है, तो अभी तक ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं हुए। तो हम तो और भी जैसे आई चेकअप ये सारे प्रोग्राम करते रहते हैं, मतलब इस बार ये प्रोग्राम करते हैं। तो मैं उन सभी डॉक्टरों को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए। इसमें अगर आप देखोगे तो कलेक्टर साहब की वाइफ भी आई है, शालिनी मैडम, उसके बाद खुद गडकरी साहब की बहू जो मधुरा गडकरी है वो भी आई है, उसके बाद हमारे जो IPS है नूरुल हसन साहब, उनकी भी वाइफ जो है डॉक्टर है, डॉक्टर इरम करके, वो भी आई है, और डॉक्टर फैजल जो आर्थो है उनकी भी जो वाइफ है वो भी, डॉक्टर दीबा वो भी आई है, और जेबा क्या नाम है, हाँ जेबा खान भी अगर आप देखोगे तो यहाँ लेडीज़ को मोटिवेट करने के लिए आई है। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, और ये धीरे धीरे मुस्लिम समाज में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो ये धीरे धीरे मुस्लिम समाज में इसका अवेयरनेस आएगा। और अगर आप देखो तो यहाँ पे पूरे नागपुर की जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो तकरीबन आई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जासमीन प्यारे खान। मैंने ये शिविर का आयोजन इसलिए किया है कि मेरे कई महिलाओं से मैं ऐसी मिली हूँ जिन्हें बहुत शर्म आती है सैनिटरी नैपकिन, पीरियड्स, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करते हुए। कई महिलाएं हमें ऐसी भी मिली जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इस चक्कर में, बट वो बोल नहीं पाई, शर्मा पाई। तो ये शिविर आयोजन करने का मेन मकसद यही है कि वो महिलाएँ ना शर्माएँ, खुल के अपने घर के मर्दों से बात करें, जेंट्स से बात करें, बच्चों से बात करें, और जो वो शर्मा के नहीं जा पाती है, हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाती है। तो ये शिविर हमने सिर्फ महिलाओं के लिए इसलिए रखा है कि वो नहीं बिल्कुल नहीं शर्माएगी, वो अकेले आ सकती है, यहाँ पर कोई जेंट्स नहीं है तो उन्हें किसी बात की शर्म नहीं आएगी। और यहाँ उनको बुलाने का मेन मुद्दा ये था कि वो शर्माएँ ना, वो सैनिटरी नैपकिन के लिए ना शर्माएँ, वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए ना शर्माएँ, क्योंकि बोलना ज़्यादा बेहतर है अपनी जान गंवाने से। और जब हमारे समाज की महिलाएँ अगर स्वस्थ रहेगी तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो मेरे वालिद साहब भी यही चाहते थे कि घर की महिलाएं अच्छी रहे, और मेरे वालिद साहब यही समझते हैं कि सारा शहर हमारा घर है, तो जब घर स्वस्थ रहेगा तभी समाज आगे बढ़ेगा। तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक शिविर स्टार्ट किया है जी, ये सिर्फ महिला और छोटे बच्चों के लिए है, क्योंकि महिलाओं के साथ काफ़ी ऐसे छोटे बच्चे भी हैं जिनकी वो जांच पड़ताल नहीं कर पाते हैं या उनके बॉडी चेकअप नहीं करवा पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी हमने रखे हैं कि वो अपने मम्मी के साथ आए, यहाँ पर चेकअप करवाए, उन्हें जो भी चीज़ लगता है वो हम बिल्कुल करेंगे, हम उन्हें सैनिटरी नैपकिन, मेडिसिन और चश्मे भी देंगे। थैंक यू।
कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।